आज़म प्रेस क्लब बहावल नगर का एक अहम ताज़ीती इजलास ज़ेरे सदारत सदर प्रेस क्लब हिज़ा चौधरी तारिक महमूद मुनक़िद हुआ। इस मौके पर सीनियर नायब सदर कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावल नगर अशरफ थानवी ने एक तहजीबी रेफरेंस पेश करते हुए कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावल नगर के जनरल सेक्रेटरी आज़म खान के हम जुल्फ हाजी रशीद अहमद के और इनके ब्रदर निस्बती मोहम्मद खादिम के पोते की अचानक नागहानी वफात पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और लवाहिकीन से इजहार तजियत करते हुए मरहूमीन के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की और तमाम शुरका इजलास ने आज़म खान से फर्दन फर्दन अफसोस का इजहार भी किया। इस मौका पर मरहूमीन के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। बादज़ा इजलास से खिताब करते हुए आज़म खान जनरल सेक्रेटरी कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावल नगर ने तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि मरहूम हाजी रशीद अहमद का शुमार सिंध के शहर नवाबशाह से था। मरहूम का शुमार वहाँ की अहम कारोबारी समाजी और सियासी शख्सियात में शुमार किया जाता था। याद रहे कि मरहूम के बेटे नईम अहमद राजपूत साबिक नाजम यूसी रह चुके हैं और दूसरे बेटे आसिफ राजपूत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नवाबशाह के अहम ओहदेदार हैं।